लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ टॉप फाइव लिपस्टिक जो कि इंडियन स्किन में सूट करेगी, बहुत अच्छे से फिट होगी। 300 के अंडर हम इसकी पिगमेंटेशन लॉन्जिविटी लिपस्टिक मुझे सूट कर रही है। जैसे कि अब वेडिंग सीजन भी आ रही है, यूनिवर्सल कलर है, कलर बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है। हेलो माय ब्यूटीफुल चिक, आप सभी का फिर से वेलकम है इस ब्यूटीफुल चिक चैनल में। और कैसे हैं आप सब? और आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ टॉप फाइव लिपस्टिक जो कि इंडियन स्किन में सूट करेगी, बहुत अच्छे से फिट होगी, क्योंकि हमारी स्किन के हिसाब से हमें लिपस्टिक पहनना, लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन टोन के हिसाब से यदि हम लिपस्टिक लगाएंगे तो पर्सनालिटी जो है हमारी है, जो मेकअप हमारा है, वो और चार चांद उसमें लग जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ टॉप फाइव अंडर बजट, सिर्फ और सिर्फ 300 के अंडर हमें 5 लिपस्टिक मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ, हमारे बजट में तो है ही, साथ ही साथ उसकी पिगमेंटेशन, लॉन्जिविटी, कलर पे ऑफ, स्टेइंग पावर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इन सारे लिपस्टिक्स का चयन किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो यदि पसंद आई होगी तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, शुरू तो करना ही है अपन को। लेकिन जैसे कि मेरी स्किन जो है वो मीडियम टू फेयर है, तो मेरे स्किन टोन के हिसाब से मुझे लिपस्टिक लगानी चाहिए। और यदि जिनका डस्की टू मीडियम है, मतलब कलर तो खैर उतनी मैटर नहीं करती है, बट स्टिल जो हमें जो स्किन टोन हमें जो मिली है उस हिसाब से ही हमको जो है वो लिपस्टिक लगानी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो लिपस्टिक मुझे सूट कर रही है, और हो सकता है मेरे से जो डार्क शेड वाले हैं उनको सूट ना करे, या मेरे से जो अबव शेड वाले हैं, फेयर शेड वाले हैं, उनको सूट ना करे। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिपस्टिक लाया है आप लोग के सामने जो हर स्किन टोन में, हर इंडियन स्किन टोन में फिट हो सके। सो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो गई है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लिप्स में भी मैं अप्लाई करके आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ ब्लू हेवन की। ब्लू हेवन नाम ही काफ़ी है, काफ़ी दिनों से चल रही है ब्लू हेवन की MR104। जैसे कि अब वेडिंग सीजन भी आ रही है, बहुत लोगों की शादी है, फंक्शन है, अब ब्राइड्स मेड है, दुल्हन है या दुल्हन के परिवार वाले हैं, तो आपको बोल्ड लिपस्टिक तो लगानी जरूरी है। जरूरी नहीं, इट्स ऑल योर चॉइस, बट आई एम गिविंग यू सजेशन कि आप इस टाइप के रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं, बहुत अच्छी कलर पे ऑफ है, अराउंड 120 के अंडर है, मतलब एग्जैक्ट प्राइस ये है, तो बहुत अच्छी इसकी कलर पे ऑफ है, लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छे से सूट करेगी हमारे इंडियन स्किन टोन के ऊपर, और वॉश ऑफ तो बिल्कुल नहीं करेगी, चाहे आप डार्क शेड हो, मीडियम हो, फेयर हो, और फेयर से भी बहुत ज़्यादा फेयर हो, आई की तरह जो आपका कलर हो, तो आपको ये सारी स्किन टोन में बहुत अच्छे से फिट बैठेगी। और मैं यहाँ पे आपको स्वेच करके दिखा देती हूँ, देखिए वन स्वाइप एप्लीकेशन बहुत अच्छे से ये देखिए अप्लाई हो गई है, और वन स्वाइप एप्लीकेशन है, बहुत बार हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कलर में भी बहुत अच्छे से ये निखर के आएगी, मतलब लिप्स में बहुत अच्छे से निखर के आएगी, लगाने पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये कलर तो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ हर ड्रेस में, मतलब पिंक को छोड़ के हर ड्रेस में ये चली जाएगी, क्योंकि रेड जो है यूनिवर्सल कलर है, वो सारे स्किन टोन में आराम से चली जाती। यदि हम लिपस्टिक बहुत ज़्यादा हम लिमिटेड रखते हैं, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक हम परचेस नहीं कर सकते, तो मैं तो बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाली लिपस्टिक आपके पास होनी चाहिए, एक आध ये वाली लेके रखे, और एक आध जो है वो रेड ज़रूर लेके रखे, ताकि आपके हर ड्रेस में ये चली जाए। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, और आज जितनी भी मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ कोई फिल्टर नहीं है, एकदम नेचुरल लाइट में मैं सबका स्वेच करके दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं कि ये नेचुरल लाइट में, डे लाइट में कैसी लगेगी, क्योंकि मैं एज इट इज़ ही दिखा रही हूँ, कोई लाइटिंग वेपर्स नहीं है एक्स्ट्रा, कोई नहीं, सिर्फ सनलाइट के बीच में, क्योंकि ग्लास यहाँ पे लगी हुई है हमारे बेडरूम में, तो सनलाइट डायरेक्ट जो है वो अंदर आ जाती है, तो कोई फिल्टर नहीं है, नेचुरल लाइट में मैं आप लोग को सब शो कर रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट लिपस्टिक जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, 99 रुपीज़ में मुझे मिली, और कलर पे आपकी बात करूँ
माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छी कलर पे ऑफ है और ये लिपस्टिक है ये LA18 के, सबको शायद मालूम होगी, बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। और इसमें जो मेरा शेड है वो P28 है। ये कलर बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है, ऑफिस गोइंग गर्ल है, वर्किंग वुमेन नहीं भी है, घर में लिपस्टिक लगा सकते हैं, डेली वेयर के लिए है, ये सही लिपस्टिक है, लिप्स में कोई नुकसान नहीं करेगी और लिप्स में जो है एकदम नेचुरल ग्लो लाएगी। यदि आप घर में भी लगाते हैं कम लगाइए, लेकिन एकदम ऐसे लगेगा कि आपने कुछ टिंट लगाया हुआ है। ठीक है, इसका प्राइस जैसे मैंने बताया 99 रुपीज में मुझे मिली, 100 के अंडर ही आपको मिलेगी, इसकी प्राइस जो है वो कभी नहीं पड़ती क्योंकि इसका रेट ही 100 रुपीज है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कलर पे ऑफ दिखाती हूँ, स्वेच करके दिखाती हूँ यहाँ पे। वाओ, कितनी प्यारी कलर है, मतलब ये पिंक है, पर्पल है, इन बिटवीन वाली जो कलर होती है ना वही कलर है, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, डेली वेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने बताया, यदि आप डेली वेयर लगाना चाहते हैं एक बार बस लगाइए, ज़्यादा रीअप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, और कलर तो मज़ेदार है ही, बहुत अच्छी कलर है। इस टाइप की कलर थोड़े से कम मिलते हैं, इसलिए शेड नंबर को आप ये P28 इसका शेड नंबर है, और लॉन्जिविटी भी बहुत देर तक है, हालांकि ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन ठीक है, आप रीअप्लाई कर लीजिए क्योंकि 99 रुपीज़ में आती है और छोटी सी बॉटल है, और देखिए ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाती है, एकदम गिरती भी नहीं है, मतलब आपके ऐसे इसको निकालने में मशक्कत करनी पड़ती है, मतलब ये आपके पर्स में भी एज इट इज़ रहने वाली। कई लिपस्टिक क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लम्जी होती है, वो खुल जाती है तो पूरा जो हमारा पर्स है वो मैसी हो जाती है, इसलिए इस टाइप की लिपस्टिक जो है वो पर्स में आराम से रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट लिपस्टिक जो मैं आप लोग के सामने मैंने शेयर किया, LA18 की कलर पॉप कलेक्शन में से है, जिसमें मेरा शेड है P28। ओके, सो नेक्स्ट लिपस्टिक जो है वो मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ, जो कि है बेला वॉस्टेल। ये मैंने purple.com से खरीदा था क्योंकि इसका शेड मुझे बहुत ज्यादा ही क्यूट लगी थी, और डेली वेयर के लिए मैं बहुत अच्छी लिपस्टिक तो खोज ही रही थी, ये मिल गई तो मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार, मेरे अपने चिक्स लोग के साथ क्यों नहीं शेयर करूँ। तो मैं लेके आई हूँ बेला वॉस्टेला का बहुत ही गॉर्जियस, और पीछे ऑरेंजिस टाइप की शेड है। इस टाइप की यदि आप शेड लगाएंगे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आ जानी है, वाकई में बहुत ज्यादा मजा आ जानी है। और इसमें मेरा शेड नंबर है 24 गो फॉर पीच, 24 गो फॉर पीच याद रखिएगा, और मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, यदि ये निकल भी जा रही है तो स्टेन जो है वो लगी रहती है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि टोटल वॉश ऑफ हो गई है, और काफ़ी देर तक स्टे करती है लिप्स में, तो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस कलर है। और यहाँ पे मैं स्वेच करके दिखाती हूँ, अब बताइए वाकई में गो फॉर पीच जैसे इसका शेड है वैसे ही इसका शेड एग्जैक्ट देखने में भी मिल रही है, और डेली वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। कई लोग जो है वो ब्राउनिश टाइप ही या न्यूड, एग्जैक्ट न्यूड कलर लगाना पसंद नहीं करते डेली वेयर में, तो वो चाहते हैं कि थोड़ी सी टिंट उनके लिप्स में दिखे, तो ये लिपस्टिक आपके लिए है, गो फॉर पीच बहुत ही अच्छी है। ये भी अंडर 150 के अंडर ही मुझे ये मिली थी, तो एग्जैक्ट रेट मैं आप लोगों को बता दूंगी, एग्जैक्ट रेट ये है, और शेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है, 2 से 4 आवर्स तक स्टे करती है, लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, 1 swipe एप्लीकेशन है, इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छी है, आप मेरे से ज़्यादा फेयर हैं तो भी ये आपकी स्किन में अच्छे से सेट होगी क्योंकि वॉश ऑफ बिल्कुल नहीं करेगी। यदि मुझसे आप डार्क शेड वाले हैं तब भी ये बिल्कुल आपके फेस को वॉश ऑफ नहीं करेगी, ये क्वालिटी है, ये इस शेड की ये क्वालिटी है। कई न्यूड लिपस्टिक को मैं देखी हूँ, एंड में हम स्वेच करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बट इन रियल वो बहुत ज़्यादा ही वॉश ऑफ कर देती है, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, लिप्स में भी आप जैसे देख सकते हैं बहुत अच्छी है, लिप्स में भी लगाने से बिल्कुल वॉश ऑफ नहीं कर रही है, और हैंड में भी मैं स्वेच करके दिखाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्लस हमारे प्राइस में है, मतलब हमारे बजट में है, तो बजट के बाहर हम बिल्कुल नहीं जाते हैं, इस चैनल का यही मोटो है कि बिल्कुल बजट से नहीं जाना है, जो रियल जो हम परचेस कर सके वो सारी चीज़ें ही मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो थर्ड लिपस्टिक जो है वो ये है, ज़रूर से ज़रूर इसे अपडेट करिएगा, मैंने इसे purple.com से खरीदा था। सो सेकेंड लास्ट जो लिपस्टिक मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रांड है, उसकी बहुत सारी लिपस्टिक्स मेरे पास है, और जैसे कि मैं बुलेट लिपस्टिक
ही लगाती हूँ, क्रीमी लिपस्टिक लगाती हूँ मोस्टली, मैट बहुत ही ज़्यादा कम लगाती हूँ क्योंकि मेरी लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं क्रीमी मैट फिनिश वाली लिपस्टिक लगाऊँ, और लिक्विड लिपस्टिक तो मेरा दूर से ना है क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ, और जो शुरू से अपन लगा रहे हैं तो वो ही लगाएं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। और इसके नाम के आगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाइप है, अच्छी है। तो प्रेजेंटिंग मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है MNU 1515, और बहुत ही सुंदर मरून टाइप की कलर है। मैंने ये चीज देखा कि हर इंडियन टोन वाले मरून शेड लगाना पसंद करते हैं, वेदर इट्स मीडियम स्किन टोन, फेयर स्किन टोन या डस्की स्किन टोन, सारे स्किन टोन वालों के पास मैंने जैसे कि स्पेशली मैं इंडियन वुमेन्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग जो है ये मरून लिपस्टिक जरूर उनके पास रहती है, लगाना नहीं लगाना उनकी चॉइस है। अच्छा, रिसेंटली जब मेरी मम्मी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था मुझे मरून लिपस्टिक लेना है, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा मरून जो शेड है वो बहुत इन है, तो मम्मी मरून कलर का लिपस्टिक चाह रही है। तो फिर मुझे एक चीज़ ख्याल आई कि सब लेडीज लोग को जो मरून एक ना एक उनके पास एक तो रेड रहेगी मरून, और एक पिंक बेबी पिंक टाइप की, और एक न्यू टाइप की, और हालांकि ये जो लिपस्टिक मैंने गिनाया आपको वो बहुत ही अच्छी जाती है, ठीक है। इसका प्राइस है 299 है, बट अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऑफ मिल जाएगी। मैं यहाँ पे स्वैच करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है वाटरप्रूफ एग्जैक्ट नहीं है, बट ये खाने के बाद अगर लिप्स से निकल गई तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि पूरी न्यूड है आपकी लिप्स, स्टेन जो है वो लिप्स में लगी रहती है और काफ़ी देर तक ये लास्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा के आपको दिखा दिया, और देखिए कितनी ही प्यारी सी कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है, और लगाने में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। और जितने कलर्स मैंने यहाँ तक आपको दिखाए हैं वाकई में बहुत अच्छे कलर है, और बहुत अच्छे अच्छे शेड जो है वो मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में कवर किया, तो कर दीजिएगा प्लीज़। शेड नेम जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ तो शेड नेम है प्रीटी प्लीज़। इसमें एक और कलर है जो है शेड बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया, लेकिन मैं बार बार दिखा चुकी हूँ, मैं अपने व्लॉग्स में भी आपको दिखाया है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आपको फिर से दिखाऊँ। सो इसलिए मैंने ये वाला शेड आप लोग को दिखाया, बहुत अच्छी शेड है, ट्राई करके देखिएगा। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NYB की लिपस्टिक, क्या आपको पता है? यस, सबको पता है, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई इसके प्रोडक्ट रहते ही, चाहे आपके पास फाउंडेशन हो, काजल हो, लिपस्टिक हो, कॉम्पैक्ट हो, आई शेडो हो। जब ये ब्रांड लॉन्च हुई तो इतनी जल्दी ये हाइप हो गई और इतने जल्दी लोगों ने पसंद किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बजट में है, दूसरी बात प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तीसरी बात इसमें बहुत सारे वेरियंट्स हमको, बहुत सारे शेड्स हमको मिल जा रहे हैं। मैं स्पेसिफिक लिपस्टिक की बात नहीं कर रही, मैं सारे इनके मेकअप प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो इसलिए लोगों ने इतना पसंद किया, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं हम ये सब लिपस्टिक लगा सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और हमारे बजट में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिपस्टिक लेके आई हूँ, वो है ये NYP की लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड नंबर है 31, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी पिंक कलर है, और मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है, और लगाने में जो है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये मैजेंटा पिंक टाइप की कलर है, मैं बहुत ही पसंद करती हूँ मैजेंटा पिंक टाइप की लिपस्टिक, क्योंकि डेली वेयर भी मैं लगा सकती हूँ, कोई पार्टी में भी लगा सकती हूँ, कोई फंक्शन में भी लगा सकती हूँ। तो ये लिपस्टिक जो ऐसी है कि मैं कोई भी ओकेशन में लगा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये हर सीज़न में चली जाएगी। ये नहीं कि कई जैसे लिपस्टिक होती है ना वेदर के हिसाब से हम लगाना पसंद करते हैं, बट ये ऑलराउंडर है, 12 महीना बहुत अच्छे से ये चली जाएगी। 150 हमारे बजट में है, तो बहुत अच्छी लिपस्टिक ये है, तो इसे भी आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी ये लगेगी। तो ये था कुछ 5 शेड जो मैं आप लोग के सामने शेयर किया है। यदि आपको सेकंड पार्ट देखना है और यदि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं सेकंड पार्ट डेफिनेटली आप लोग के सामने लेके आने वाली हूँ। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय।